साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट इंस्पायर्ड एकेडमी पर। साथियों मैं हूं संतोष तिवारी। सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा था कक्षाएं आपको 5 फरवरी से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों के कारण कक्षाएं आप सभी को नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए हमें खेद है और आप सभी को कक्षाएं आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। सबसे कक्षाओं के क्रम में सबसे पहले आपको हिंदी विषय का जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे सर, और हिंदी विषय के विषय विशेषज्ञ श्रीदेव नारायण द्विवेदी जी आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आप सभी उनसे पढ़िए, उनके कक्षाओं का आनंद लीजिए। आइए सर और सभी बच्चों को बताइए। आइए एक मिनट ये ले लीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं देवनारायण द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल इंस्पायर्ड एकेडमी पर। मित्रों जैसा कि ऋषि सर ने बताया हमारे बारे में इतना ही विशेष है, और मैं अब आप सभी को हिंदी एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु जो आवश्यक पाठ्यक्रम है उसे हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास ही नहीं बल्कि जो भी मुख्य है उसे हम बता रहे हैं। और आप सभी लोग हिंदी का पाठ्यक्रम जान लीजिए क्योंकि कोई भी परीक्षा देने से पहले हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, यह जानना अति आवश्यक होता है। क्या पढ़ना है, किस पे ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी अति आवश्यक होती है। इसलिए आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आपके पाठ्यक्रम से आप सभी को अवगत कराते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा हिंदी विषय का पाठ्यक्रम जो इस प्रकार है, एक दिवसीय परीक्षाओं हेतु हिंदी विषय का पाठ्यक्रम इस प्रकार है। इसके अंतर्गत हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत हम सभी लोगों को हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का भाषा भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषा की विशेषताएं और हिंदी की प्रमुख बोलियां किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, इन सभी का अध्ययन हमें प्रथम अध्याय हिंदी भाषा के अंतर्गत करना है। फिर हमारा अगला जो अध्याय है हिंदी भाषा में वो है आपका ध्वनि। ध्वनि के अंतर्गत हम सभी लोग वर्णमाला, स्वरूप, वर्ण, वर्णों के उच्चारण स्थान और इसकी क्या और ध्वनियाँ क्या है, ध्वनियाँ कैसे उच्चरित होती हैं, इन सभी का हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। अगले चैप्टर पे हम आते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत वर्तनी, चिन्ह, अशुद्धियाँ, हिंदी की लिपि, लिप चिन्ह क्या है और अशुद्धियों का हम निदान कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम तीसरे अध्याय हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और चिन्ह, लिप, इन सभी का अध्ययन करेंगे। इसका विस्तार से हम सभी लोग अध्ययन आगे करेंगे। आज जान लेते हैं इन सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या है। फिर अगला अध्याय जो हमें हिंदी के अंतर्गत पढ़ना है वो है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं, संज्ञाओं का परिवर्तन, जैसे हम जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक और लिंग, वचन, कारक, इन सभी का अध्ययन जो है संज्ञा में कैसे इनका प्रयोग होता है इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अध्याय हमारा अगला आता है हमारा सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनका
कैसे हम उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर अगला हमारा अध्याय आता है क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के प्रकार, क्रियाएं कितनी प्रकार की होती है, क्रियाओं का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्रियाओं के अंतर्गत जो मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, जितनी भी बातें हैं उन सब का अध्ययन हम क्रिया अध्याय के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला अध्याय हमारा आता है विशेषण, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनका हम कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इनकी उत्तमावस्था, उच्चतर अवस्था, उच्चतोत्तर अवस्था, जितनी भी अवस्थाएं होती इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर हमारा अगला अध्याय आता है अव्यय, अव्यय क्या है, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय का हम उपयोग किस तरह से करते हैं, अव्यय की पहचान क्या है, इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत अव्यय के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा आता है अध्याय शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत हम सभी लोग शब्द रचना में एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दों के प्रकार, पर्यायवाची, ये सारी चीजें आती हैं। और शब्द रचना के अंतर्गत वाक्य, वाक्य के प्रकार, ये सारी चीजें हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला आता है चैप्टर हमारा अध्याय हिंदी की संरचना, यानी हिंदी की कैसी संरचना है, किस तरह से हिंदी का निर्माण हुआ, कैसे हिंदी शब्द की और क्या क्या चीजें इसमें विशेष है प्रमुख, उसका हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला हमारा आता है अर्थ, अर्थ के अंतर्गत हम पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सभी चीजों का अनेकार्थक शब्द एक से और एकार्थक शब्द, इन सभी का हम अध्ययन अर्थ के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला अध्याय हमारा आता है रस, रस की परिभाषा, रस के प्रकार, पंक्तियों में रस जो दी हुई है उनकी पंक्तियों में हम रस कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम रस अध्याय के अंतर्गत करेंगे। फिर अगला हमारा आता है अध्याय छंद, छंद के प्रकार, छंदों में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, विषम छंद, अर्धसमात्रिक छंद, इन सबका अध्ययन हम करेंगे। फिर अगला हमारा अध्याय आता है 14 नंबर पे अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा, अलंकार के प्रकार, पंक्तियों में हम अलंकार कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें हम जो है अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। ये रहा हमारा हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं और पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं में इसके आगे हमें हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख कवि कौन कौन से हैं जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन कवियों के उपनाम क्या हैं, उनकी रचनाएं, रचनाओं में प्रमुख रचनाएं, किस रचना में को किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार दिए गए हैं, इन सब का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा बस यहीं तक, शेष हम आगे जो है अध्ययन करेंगे। अब आ रहे हैं हमारे परम सहयोगी संतोष जी जो आपको और कुछ रूबरू कराएंगे। अच्छा मित्रों, जय हिंद। साथियों, आज आप सभी ने हिंदी की जो है पाठ्यक्रम के बारे में सर ने चर्चा किया है और आप सभी पाठ्यक्रम के बारे से रूबरू हुए हैं। कल से हिंदी की एक नियमित कक्षा चलेगी और हिंदी ही नहीं सभी सब्जेक्ट की नियमित कक्षाएं चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जो भी कमियां हैं आप उसमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, जो हमको सुधार करना है आप कमेंट करके बताते रहिए, जो कुछ अच्छाइयां हैं अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करते रहिए जिससे कि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे, हम और आपको एक बेहद गुणवत्तापूर्ण कक्षा उपलब्ध कराने में हम आपको पूरा अपना पूरा योगदान देंगे। साथियों, नमस्कार।